अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ PhD स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आप चाइना में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब भी आप चाइना में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें। इससे पहले भी मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड नहीं थी। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके जेहन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये वीज़ा के हवाले से उनका आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जो चाइना का वीज़ा है वो जेरीज ऑफिस वाले डील करते हैं। आज से तकरीबन 5 से 7 साल पहले ये होता था कि जो चाइनीज़ एम्बेसी है वो खुद डील करती थी वीज़ा प्रोसेस को, यानी कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती थी चाइनीज़ एम्बेसी में। लेकिन अब जो है आपको जो एप्लीकेशन है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करवाने होते हैं जेरीज़ ऑफिस में। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो मैंने जेरीज़ वालों को ईमेल किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए चाइना में स्टडी वीज़ा के लिए, तो उन्होंने मुझे जो लेटेस्ट जो लिस्ट सेंड की है उसमें तकरीबन 9 से 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, और मैंने वो लिख के रखे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट का आप एक फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, वो भले वो कलर्ड हो या फिर वो ब्लैक एंड वाइट हो, दोनों चल जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा और तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है JW फॉर्म और एडमिशन लेटर या एडमिशन नोटिस। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको यूनिवर्सिटी आपको थ्रू कोरियर के थ्रू आपको भेजेगी। ये दोनों आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए और उसके साथ साथ इनकी जो फ़ोटो कापीज़ हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद जो चौथे नंबर पर आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी मैट्रिक और इंटर की सनद है, और अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है तो बैचलर की डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट्स ओरिजिनल, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके वेरीफाइड हों मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, यानी कि आपकी जो मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज हैं वो आपने करवानी है बोर्ड से अटेस्टेशन, उसके बाद IBC से, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और जो यूनिवर्सिटीज़ वाली डिग्रीज हैं वो आपने सबसे पहले HEC से करवानी है, उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवानी है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, यानी कि वो अभी 8वें सेमेस्टर में है या उसको अभी डिग्री लेट इशू होगी, तो उसके लिए ये है कि उसके पास अगर प्रोविजनल है तो वो फिर आप HEC से वेरीफाई करवा लें, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवा लें प्रोविजनल, तो इस तरह भी चल जाएगा। और ये आपको ये सारी वेरीफाइड हों और उसके साथ साथ आपने इनकी भी एक फ़ोटो कापी करवा के आपने साथ लेके जानी है। उसके बाद 5वें नंबर पर आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड हो और वो वैलिड हो, यानी कि वो एक्सपायर ना हुआ हो। तो अगर आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आने वाले दिनों में एक्सपायर होने वाला है या फिर आपका एक्सपायर हो चुका है तो दोबारा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आप अटेस्ट करवा लें। उसके बाद 6ठे नंबर पर आपके पास वाइट बैकग्राउंड के साथ 2 पिक्चर्स होनी चाहिए, 1 या 2 पिक्चर्स होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद 7वें नंबर पर आपने जो फॉर्म फिल किया होगा जेरीज़ वाला वो आपने फॉर्म साथ लेके जाना, और उसके साथ साथ जो आपने अपॉइंटमेंट ली थी वो वाला जो फॉर्म है उसका भी आपने प्रिंट लेकर आपने उसको भी साथ लेके जाना। उसके बाद 8वें नंबर पर आपने एक ब्लैंक पेज के ऊपर आपका जो फोकल पर्सन है चाइना में उसका आप नाम, उसका जो डेजिग्नेशन है, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर और WeChat ID भी उसके ऊपर लिख सकते हैं। वो पेज आपने साथ लाजमी लेकर जाना है। फोकल पर्सन कौन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फोकल पर्सन वो होता है, अगर तो आपको किसी प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है तो आप उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो है वो लिखेंगे। और अगर आपका एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर हुआ है तो जो भी यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल ऑफिस में से जो भी बंदा आपके साथ कांटेक्ट में है चाइनीज़, उसका आप नाम लिखेंगे, उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, उसका कांटेक्ट नंबर लिखेंगे। तो ये फोकल पर्सन की इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी साथ लेके जानी है। और उसके बाद 9वें नंबर पर जो कि लास्ट डॉक्यूमेंट है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मैं बता दूँ आपको, ये इस तरह से होता है कि अगर तो आपका फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है तो फिर भी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन बैलेंस मैटर नहीं करता कि कितना बैलेंस है। और अगर आपका पार्शली फंडेड है या आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर जो लेटेस्ट जो अपडेट है कि कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो है तकरीबन 7,50,000।
तो अगर तो आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और हाँ एक और मैं बात आपको बता दूं कि आपका ये जो वर्ड है ना फुली फंडेड स्कॉलरशिप, ये आपके एडमिशन लेटर या फिर JW फॉर्म के ऊपर लिखा होना चाहिए। अगर ये उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ तो वो आपसे बोलेंगे कि भाई हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो अगर आपके जो JW फॉर्म है या एडमिशन लेटर है उसके ऊपर फुली फंडेड नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपका जो स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड है, तो फिर आपको ये करना है कि आपने जो जो आपका यूनिवर्सिटी है, आपका इंस्टीट्यूट है, आप उसको बोलें, जो भी फोकल पर्सन है उसको बोलें कि मुझे एक लेटर इशू कर दें जिसके ऊपर लिखा हो कि ये जो स्टूडेंट है जिसका एडमिशन हुआ है इसका जो स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। मेरा जो JW फॉर्म था और मेरा जो एडमिशन लेटर था उसके ऊपर कहीं भी नहीं था लिखा हुआ कि इसका जो स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड है, ऑल्दो कि मेरा जो स्कॉलरशिप था वो फुली फंडेड था, मेरे पास जो आंसू है उसका लेटर भी मौजूद था, लेकिन उन्होंने जो जेरीज वाले थे उन्होंने मुझे बोला कि आपका कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे फुली फंडेड नहीं लिखा हुआ। और जब जी तो इस तरीके से अगर आपके जो JW फॉर्म है या एडमिशन लेटर है उसके ऊपर फुली फंडेड लिखा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी अपने जो जो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस की। तो आपने 6 मंथ की जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो निकलवानी है, और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आपने क्या करना है, तो आपने अपने जो भी करीबी जो जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है आप उसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवा के, और जो नादरा है वहाँ से आप FRC निकलवा लें, यानी कि उसमें लिखा होता है कि ये जो कैंडिडेट है और जिसकी बैंक स्टेटमेंट है इनका क्या रिलेशन आपस में, तो वो आप ले लें और उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, बैंक स्टेटमेंट जब आप निकलवाएं उसके ऊपर जो ब्रांच मैनेजर है उसका सिग्नेचर होना लाजमी है, सिग्नेचर भी हो स्टैम्प भी हो तो ज़्यादा बेटर है, तो ये दोनों चीज़ें उसके ऊपर होनी चाहिए। और इस तरीके से आपने वो बैंक स्टेटमेंट भी लाजमी आपने ले लेनी है 6 मंथ्स के लिए। उसके अलावा आपको फ़ी पे करना होगी जो कि तकरीबन आजकल गालबन 15,000 के आसपास होगी, और ये जो फ़ी है 2022 में थी तकरीबन 10,200 थी जो मैंने पे की थी, और आजकल तकरीबन 15,000 है नॉर्मल फ़ी। अगर आप अर्जेंट के साथ करवाते हैं वो तकरीबन 20,000 के आसपास है, तो नॉर्मल जो वीज़ा है नॉर्मल डेज़ में वो तकरीबन 10 दिन लगते हैं, 10 दिन में आपका वीज़ा लग के आ जाता है। जो आपके जो अर्जेंट के जो फ़ी है वो 20,000 के आसपास है, और इसका जो वीज़ा लगने का जो जो दिन है वो तकरीबन 3 से 4 दिन में वीज़ा लग के आ जाता है। और लास्ट पर मैं आपको बता दूं कि जो आपने मेडिकल करवाना है वो वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप करवा भी सकते हैं नहीं भी करवा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वीज़ा जो मेडिकल है जो वो आपने कहाँ से करवाना है, अगर आप पाकिस्तान से करवाना चाहते हैं तो, अगर आप नहीं करवाते तो फिर क्या होगा, अगर आप करवाते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।